बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शी कॉस कॉस्मेटिक्स के कुछ प्रोडक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये लाहौर बेस्ड कंपनी है और शी कॉस वन टच, इनका ये कहना है कि ये वन टच यूज़ हो जाते हैं। ग्लिटर्स, ये आई ग्लिटर्स हैं और 5 से 6 किस्म के आई ग्लिटर्स हैं। कुछ चंकी हैं, कुछ प्रेस्ड हैं और इनकी पिगमेंटेशन बहुत ही ज़बरदस्त है और अच्छे तरीके से ये अप्लाई हो जाते हैं और बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। आप इनको आईज़ पे, अपने फेस पे यूज़ कर सकते हैं, कुछ फेस पे यूज़ करने वाले हैं। और ख़ास तौर पे इनकी जो सबसे अच्छी चीज़ है वो है ब्राइडल बेस और एक पाउडर फाउंडेशन। ये उनके शेड्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और इनकी प्राइस भी बहुत ही रिजनेबल है और आप इसका जो ब्लेंडिंग है, एप्लीकेशन बहुत ही आसान है, बहुत अच्छी है। और मैंने इसको अप्लाई किया अपने हैंड पे और 3 दिन बाद भी जब मैंने इसको हैंड पे हल्का सा रब किया तो वो हल्की सी अभी थी। आप इसको ब्राइट पे महंगी महंगी बेस अप्लाई करने से बेहतर है कि आप इसको अप्लाई करें और अपने ब्राइट को खूबसूरत करके दिखाएँ। तो इसका एक कम्प्लीट रिव्यू इसकी बेस का वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। नेक्स्ट, यो हम एक वन डे क्लास, हमने एक हमें बुलाया गया था जहाँ बहुत सारे शहरों की ब्यूटिशंस आई हुई थी। ये परफेक्ट फेस का उन्होंने वहाँ पे स्टॉल लगाया हुआ था। परफेक्ट फेस वालों की फाउंडेशन है, उनके ये फेशियल किट्स हैं, तो उनके जितनी चीज़ें थी और परफेक्ट फेस के कुछ प्रोडक्ट्स का रिव्यू मैं आपको शेयर करूँगी। बहुत जल्द बहुत अच्छा इनका रिज़ल्ट है और रीज़नेबल इनकी प्राइस है। और एक और जो स्टॉल वहाँ पे लगा हुआ था वो था ये फ्लिस वालों का। फ्लिस के जितने प्रोडक्ट्स थे वो उन्होंने शो किए हुए थे, डिस्प्ले किए हुए थे और उन पे उन्होंने सेल लगाई हुई थी 50%। ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं, उनके फेशियल्स हैं, उनके फेस वॉश हैं, उनके सीजर्स हैं, ये उनके कुछ ग्लिटर्स हैं। फ्लिस वालों का मैंने एक फ़ेस वॉश यूज़ किया था जो 3-in-1 था, उसका रिव्यू भी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। और इसके अलावा इन्होंने एक ये फेस से रिलेटेड एक मशीन, फेशियल मशीन भी इंट्रोड्यूस करवाई थी, ये भी बहुत अच्छी। इसका रिव्यू भी मैं जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। फेस सीरम्स थे, कुछ हेयर सीरम्स थे, फेशियल्स की बहुत सारी चीज़ें थी, हेयर्स का बहुत सारा हेयर कलर्स थे इनके पास, बहुत ही अच्छे थे और इनकी रीज़नेबल प्राइसेस थी। इसके अलावा हेयर स्ट्रेटनर था, हेयर क्रिम्पर था, हेयर कलर था, हेयर रोलर थे। इनकी भी प्राइसेस बहुत अच्छी थी, उनका रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा था। हमने जो वन डे क्लास बहुत ही अच्छी रही, बहुत मज़ा आया। अपने सॉन्ग सुना के महसूस कर रहा था और उनकी कंपेयरिंग बहुत अच्छी थी। इसके अलावा जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी वहाँ थी कलर वे के नाम से, ये एक बहुत ही अच्छी बहुत नाइस लेडी थी, इशरत अफात उसका भाई था, उसका नाम बड़ा मुश्किल था लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम करके दिखाया। कलर उनके नाम से कलर थे, कलर इन्फॉर्मेशन थी और नई नई चीज़ें हमें पता चली, नए कलर का पता चला और उनको क्या बुलाया जाता है वो भी उन्होंने बताया। नई टेक्निक हमारे साथ शेयर की, वो उन्होंने अपने डेमो भी करके दिखाया कि कैसे वो शेयर जो है चेंज होते हैं विदाउट बालों को डैमेज किए हुए, ना कलर खाया बाद में डैमेज भी नहीं होता। और वहाँ जो ब्यूटिशन आई हुई थी जिन्होंने कंपटीशन में हिस्सा लिया होता, उनको उन्होंने सर्टिफिकेट दिए और जो चीफ गेस्ट आ रहे थे उनको उन्होंने वेलकम भी किया। बहुत अच्छा अरेंजमेंट था, बहुत ज़बरदस्त उनका काम था। वहाँ पे ब्राइडल कंपटीशन भी हो रहा था, मेहंदी कंपटीशन भी था, हेयर स्टाइलिंग का कंपटीशन भी था। हम सब ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा हमें मज़ा आया। और फ्लिस वालों ने भी अपने हेयर कलर और हेयर प्रोडक्ट्स जितने भी थे वो इंट्रोड्यूस करवाए, यंगी मैम थी। और सारी ब्यूटिशंस जितनी भी आई हुई थी उनसे मिलके, उनसे बात करके हम सबको बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। सारे बहुत अच्छे थे, नए नए कॉन्टैक्ट्स बने, नए नए लोगों से हमारी मुलाकात हुई, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया हम सब ने। काफ़ी देर के बाद हम एक ऐसे इवेंट में गए थे जिसमें हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा।
और बाद में उन्होंने हमें लंच भी दिया, बिरयानी थी, कोक थी, बहुत मज़ा आया। ब्राइडल ये रेडी होके आ चुकी थी, उन सबको उन्होंने वॉक करवाई, जो बेस्ट ब्राइड थी उनको सर्टिफिकेट दिया और प्राइजेज भी दिए, इसके अलावा ब्यूटी बॉक्स उनको दिया। तो बहुत अच्छी ब्राइड्स उन्होंने तैयार की हुई थी। ये एक आर्टिस्ट थे जो मुल्तान से स्पेशल आए थे, उन्होंने स्टेज पे लाइव डेमो दिया, बहुत सारी चीज़ें नई बताई और ये अपनी ब्राइड के साथ वो आए हैं। बहुत अच्छा इनका काम था, ये करके दिखा भी रहे हैं और क्या क्या चीज़ अच्छी है क्या नहीं है वो सारी चीज़ें उन्होंने डिस्कस की। बहुत सारे जो ब्यूटिशंस थी उनके सवालों के जवाब भी दिए, जो जो उनके इंक्वायरीज थी उनको सॉल्व किया और ये कलर भी वाले हैं जो कलर किए थे उनकी मॉडल आए हैं और ये सारी वॉक करके दिखा रहे हैं कि कैसी कौन कौन से शेयर दिए और कलर जो बालों में हो जाता है उनको कैसे केयर करनी चाहिए ये भी उन्होंने बताया। एंड पे ये सारे इतने लोग थे, उन्होंने स्टेज पे बुला के सबको उनका शुक्रिया अदा किया और सारे लोगों को उन्होंने सर्टिफिकेट्स दिए, जो जो सवाल लोग पूछ रहे थे उनको उन्होंने गिफ्ट्स भी दिए। बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन था, ब्राइड्स बहुत ज़बरदस्त तैयार हुई हुई थी। ये देखें ये बाकी ब्राइड्स जो हैं वो भी आ चुकी हैं अपनी अपनी ब्यूटिशंस के साथ। बहुत अच्छी ब्राइड्स थी, बहुत कुछ सीखने को मिला और जो फर्स्ट आई थी ब्राइड उसको उन्होंने इनाम दिया। ये वो ब्राइड हैं जो मुल्तान से आर्टिस्ट आए थे, उन्होंने तैयार किया था, उस्मान के नाम से ये आर्टिस्ट थे जिन्होंने ये तैयार की थी। बहुत ही अच्छा दिया और बहुत जल्दी इन्होंने किया, इनसे भी हमारी अच्छी डिस्कशन रही, नई चीज़ें पता चली, नया काम पता चला। सारी ब्राइड्स जो हैं वो आ रही हैं वन बाय वन, क्योंकि जो विनर थी उसकी ड्रेसिंग, ज्वेलरी, मेकअप, हेयर स्टाइलिंग सब कुछ देखने के बाद उसका डिसीजन किया गया। तो मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी ब्राइड जो है वो फर्स्ट आई थी। ये भी ब्राइड प्यारी लग रही थी, बड़ी डॉल सी थी, लेकिन फर्स्ट ब्राइड ये पिंक ड्रेस वाली आई थी। ये 2 साल हो गए हैं, ये ही ब्यूटिशियन जो है वो प्राइज दे के चली जाती हैं। और ये जो पीछे आ रही हैं ये भी, ये सेकेंड रनर अप थी, इनका भी काम अच्छा था और ये सबका शुक्रिया अदा कर रही हैं और बाय बाय कर रहे हैं। बहुत मज़ा आया, एक अच्छा इवेंट था और नेक्स्ट कोई और भी इवेंट हुआ तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत इस तरह के इवेंट्स में जाना चाहिए, बहुत मज़ा आता है, नई चीज़ें पता चलती हैं। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।